अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, रियलवे न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मोहम्मद अजीम। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरों में। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने टमाटर की काश्त से 3 करोड़ कमाने वाले मेदक जिले के किसान जोड़े की शानपोशी की। साबिका वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने बीआरएस हुकूमत की माइनॉरिटी बंधु स्कीम को धोखा देने वाली स्कीम करार दिया। बारिश के दौरान एक शख्स जान बहक, हैदराबाद में वाकया। मानो एमए इस्लामिक स्टडीज में दाखिले। अब खबरें तफसील से। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने टमाटर की काश्त करके 3 करोड़ कमाने वाले मेदक जिले के किसान जोड़े की शानपोशी की। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने जिले मेदक के कोड़ी पल्ले मंडल के मोहम्मद नगर गांव के रहने वाले 27 साल किसान बी मही पाल रड्डी और उनकी बीवी दिव्या को सेक्रेटरीट में तलब करते हुए इनकी शालपोशी की, जिसने टमाटर की काश्त करते हुए 1 महीने के अंदर 2 करोड़ रुपए कमाए और मजीद 1 करोड़ रुपए के टमाटर के इनके खेत में कटाई के लिए तैयार हैं। इस मौके पर मही पाल रड्डी की मेहनत की चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने छताइश की। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुलाकात के दौरान महिपाल रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर और इनके साथी मौजूदा विजरा ने बताया कि वो अपने गांव से 40 एकर अर्जा पर मुख्तलिफ सब्जियों की काश्त करते हैं। 15 अगस्त को अपने खेतों में से 8 एकर पर टमाटर की काश्त की थी। सख्त गर्मी में फसल की बहा को यकीनी बनाने के लिए उन्होंने सायादार जालियों का नस्ब किया, टमाटर के पौधों की हिफाजत को यकीनी बनाया। तेलंगाना के हनुमाकोंडा जिले में एक शख्स बाइक के साथ पानी में बह गया। वरंगल तेलंगाना में गुज़िश्ता चंद दिनों से शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। कई इलाकों में नदियां और तालाब भर गए और सड़कों पर पानी बह रहा है। पानी से बह जाने के कई वाकयात पेश आ रहे हैं। इसी तरह एक वाकये में हनुमाकोंडा जिले के कनारम नदी में एक शख्स ने मोटरसाइकिल समेत बह गया। महेंद्र नामी शख्स बाइक पर कनारम नदी के सैलाबी पानी को उबर कर रहा था कि इत्तेफाक से कनारम नदी में गिरकर बह गया। पुलिस जाए मौके पर पहुंचकर माहिगीरों की मदद से महेंद्र की तलाश शुरू कर दी है। मानो एमए इस्लामिक स्टडीज में दाखिला, मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी हैदराबाद। हैदराबाद मौलाना आजाद नेशनल यूनिवर्सिटी के शोबे इस्लामिक स्टडीज में एमए रेगुलर कोर्स में दाखिले जारी हैं। ऑनलाइन दाखिले की तारीख में 30 जुलाई तक तौसी की गई है। किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कामयाब या इन मदारिस के फारिगैन जिनकी असनाद को मानो ने एमए में दाखिले के लिए मंजूर किया है, दाखिले के अहल हैं। यूनिवर्सिटी ने मुल्क के 200 से ज्यादा मदारिस के असनाद को मुख्तलिफ कोर्सेज में दाखिले के लिए मंजूर किया। इन मदारिस में एक बड़ी तादाद शहर हैदराबाद इनके अतराफ के मदारिस की है, जिनमें अक्सरियत तलबात की मदारिस की है। इनकी मुकम्मल तफसील और प्रैक्टिस मानो की वेबसाइट पर दस्तियाब है। एमए में दाखिले के लिए खवातीन की उम्र की कैद 35 साल, मर्दों की 30 साल है। इस कोर्स में तलबा को इस्लामिक स्टडीज के निसाब के साथ साथ अंग्रेजी जबान और कंप्यूटर की भी तालीम दी जाती है। मजीद मालूमात के लिए शोबे के उस्ताद डॉक्टर आतिफ इमरान से मोबाइल नंबर 7505279270 और एक बार 7505279270 पर रابطہ किया जा सकता है।
बारिश के दौरान एक शख्स जान बहा, हैदराबाद में वाकया। रियासत हुकूमत हैदराबाद ने मूसलाधार बारिश के दौरान एक शख्स की जान चली गई। अबिश में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश के दौरान टीन गिरने से एक शख्स मौके पर ही हलाक हो गया। शहर में गुज़श्ता चंद घंटों से हो रही बारिश के दौरान फरीद नामी शख्स बारिश से बचने दीवार के साए में खड़ा हो गया था कि इस दौरान मुहल्लिका इमारत की चौथी मंजिल से टीन गिर पड़े, जिसके नतीजे में इसकी मौत हो गई। साबिका वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने बीआरएस हुकूमत की माइनॉरिटी बंधु स्कीम को धोखा देने वाला स्कीम करार दिया। कांग्रेस के सीनियर लीडर और टीपीसीसी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी पीएसी के कौनेस मोहम्मद अली शब्बीर ने बीआरएस हुकूमत की मौजूदा अखिलियती बंधु स्कीम को तनकीद का निशाना बनाते हुए इसे मजाक और अखिलियती बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले गरीब बेरोजगार नौजवानों को धोखा देने की कोशिश करार दिया है। शब्बीर अली ने पीर को एक बयान में कहा कि बीआरएस हुकूमत ने तेलंगाना में अखिलियती बिरादरियों के लिए बेरोजगार नौजवानों के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने निशानदेही की कि 2015 और 16 में जब तेलंगाना स्टेट अखिलियती मालियती कारपोरेशन ने दरखास्त तलब की तो 153,000 से ज्यादा बेरोजगार नौजवानों ने खर्च की दरखास्तें दी, ताहम इनकी दरखास्तें खारिज कर दी गई और अगले 7 साल तक कोई दरखास्त भी नहीं ली गई। हाल ही में जब TSMFC ने ताजा तरीन तलब की, फिर 2,20,000 से ज्यादा बेरोजगार नौजवानों ने इसके लिए दरखास्त दी, ताहम इस दरखास्त भी बगैर कार्रवाई के रही। श्रीराम सागर के 26 और निजाम सागर प्रोजेक्ट के 4 गेट खोल दिए गए। तेलंगाना के निजामाबाद जिले के श्री राम सागर प्रोजेक्ट में बालाई इलाके से भारी सैलाबी पानी दाखिल हो रहा है, क्योंकि तकरीबन 2,22,216 क्यूसिक पानी आ रहा है। डैम के हुक्काम एहतियात के तौर पर 26 गेट उठा दिए हैं और नीचे गोदावरी में 1,50,000 क्यूसिक पानी छोड़ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले अलर्ट कर दिया गया था। इस तरह निजाम सागर प्रोजेक्ट के भी 4 दरवाजे खोल दिए गए, जिसमें 26,800 क्यूसिक पानी का दाखिल हो रहा है। प्रोजेक्ट का पानी का मुकम्मल सतह 1,405 फीट है और इस वक्त पानी में 1,300 फीट तक पहुंच चुका है। प्रोजेक्ट पर पानी जखायर करने की गुंजाइश 17,802 TMC है, जबकि मौजूदा पानी का जखायर 14,568 TMC है। निजाम सागर एरिया के लोगों को पानी छोड़ने की वजह से चौकन्ना रहने को कहा गया है। मेन वाटर चैनल के इर्द गिर्द के लोग चरवाहों को मोहतात रहने की हिदायत की गई है। बारिश से तेलंगाना के 108 मौजूद जहरियाब, 10,000 से जाहिद अफराद को बचा लिया गया। एक हफ्ते से जारी शदीद तरीन बारिश की वजह से खम्मम शहर के कई महल जात जहरियाब। सुबह 5 बजे से बर्फी सरबराही मुनक़ति कर दी गयी। खम्मम जिले के तमाम सरहदों को ब्रिगेड के जरिए पुलिस ने नाकाबंदी कर दी। खम्मम रुकन असम्बली वजीर रियासती ट्रांसपोर्ट PJ कुमार ने मुतहदा खम्मम जिले के आला अहदेदारों के हमरा खम्मम तबहदारी कुत्तागुड़म जिले का हंगामी दौरा किया। पिछले एक हफ्ते से जारी शदीद बारिश की वजह से मुतहदा खम्मम जिले के मौजूद जेर आब हो चुके। खम्मम के मुनीर नदी लबरेज होने से की वजह से खम्मम शहर के इस्लामपेट FCI गोदाम सादरी नगर मोती नगर इन महले जात में पानी दाखिल होने की वजह से मकानात जेर आब हो चुके हैं। जिले इंतजामिया ने जंगी खतूत पर आवाम के मकानात खाली करवा कर महफूज मुकाम पर पहुंचा दिया गया। इस तरह खम्मम शहर के डिवीजन 16 के ग्राम कॉलोनी मुकम्मल जेर आब हो चुकी है। आवाम को महफूज मुकाम पर पहुँचाने के लिए जिले इंतजामिया की जानिब से राहतकारी कारकुन पानी में अवाम को कश्तियों के जरिए महफूज मकाम पर पहुंचाया जा रहा है। करीमनगर तेलंगाना में जुमेरात को शदीद बारिश से 108 गांव जेरियाब आ गए थे, जिनमें से 10,694 अफराद को बचा लिया गया, महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया, जिनमें से सबसे ज्यादा जयशंकर भोपाल पल्ली जिले में शदीद बारिश के नतीजे में कई मौजूद जेरियाब आ गए। खासतौर पर मोरा अंचला पल्ली गांव मुकम्मल तौर पर जेरियाब आ गया, जहां गांव के आवाम मकानात के छत पर चढ़कर
अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान गांव के दो अफराद बह गए। तकरीबन 1500 अफराद की जान को खतरा था। रुकन असेंबली जी वेंकट रमना रेड्डी ने हेलीकॉप्टर के जरिए मदद की ख्वाहिश पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने दो हेलीकॉप्टर और 6 कश्तियों को NRDF टीम के साथ रवाना किया। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने टमाटर की काश से 3 करोड़ कमाने वाले मेदक जिले के किसान जोड़े की शानपोशी की। साबिका वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने BRS हुकूमत की माइनॉरिटी बंधु स्कीम को धोखा देने वाली स्कीम करार दिया। बारिश के दौरान एक शख्स जान बहक, हैदराबाद में वाकया। मानो MA इस्लामिक स्टडीज में दाखिले। अभी के लिए बस इतना ही। अपने होस्ट और दोस्त को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।